मैनपुरी में ईशन नदी चौराहे पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने यातायात माह नवंबर का फीता काटकर शुभारंभ किया तथा जनसाधारण और स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। जनपद में जो भी व्यक्ति अथवा पुलिस कर्मचारी बिना हेलमेट धारण किए हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त उपस्थित जनता, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे अपने वाहन पर सही नंबर प्लेट लगाए, अपने वाहन से संबंधित समस्त कागजात जो चेकिंग के दौरान जांच किए जाते हैं उनको अपने साथ रखें, शराब पीकर गाड़ी न चलाए, ओवर स्पीड से बचे तथा हेलमेट लगाकर ही मोटरसाइकिल पर चले ताकि दुर्घटना एवं अन्य कार्रवाई से बच सके। यातायात नियमों का पालन करें, जागरूक बने, जागरूक करें। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, RTO राजेश कर्दम, क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण, क्षेत्राधिकारी भोगाव अमर बहादुर, क्षेत्राधिकारी कुरावली दद्दन प्रसाद, गौड़ प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र यादव, ट्रैफिक इंचार्ज देवेंद्र शंकर पांडे के अलावा अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने विचार रखे। देखिए, आज से 1 नवंबर है, आज से यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। यहाँ आप लोगों की मौजूदगी में मौतों को कम करने की जिम्मेदारी न केवल पुलिस विभाग की है बल्कि पूरी जनता की है। मीडिया बंधुओं का भी इसमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है और इसी बारे में पूरा व्याख्यान भी दिया गया। पूरे 1 माह 300 दिन रोज़ कुछ न कुछ नया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जागरूकता फैलाने का काम होगा, इन्फोर्समेंट का भी काम उतनी ही तेज़ी से होगा। कुछ 5-6 चौराहे ऐसे चयनित किए जा रहे हैं कि वहाँ पे 24 आवर ड्यूटियाँ लगाई जाएं, इस तरह की ड्यूटियाँ रहें कि वहाँ से गुजरने वाला हर आदमी जो ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है वो बिना चालान के बिना जुर्माने के जाने ना पाए, ऐसी व्यवस्था भी करने का प्लान है ताकि लोगों में ये एक महसूस हो जाए कि बिना यहाँ पे नियम तोड़ने का मतलब जुर्माना अवश्य होगा। सर्टेंटी जिसको कहते हैं, सर्टेंटी या पनिशमेंट रहेगा तो निश्चित रूप से इसका फ़र्क पड़ेगा। रही बात दुर्घटनाओं में कमी लाना और मौतों में कमी लाना, ये हम लोगों का परम लक्ष्य है और उसके लिए हम जितना भी हो सकेगा पूरे दमखम से पुलिस विभाग इसमें लगेगा, जनता का सहयोग लिया जाएगा, छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है।